हेलो स्टूडेंट, रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर टांडा अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो कक्षा 8 भूगोल। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था खनिज किसे कहते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं तथा खनिजों का वर्गीकरण या खनिजों का वितरण देखा था। आज हम देखेंगे खनिजों का संरक्षण, खनिजों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए खनिजों को, खनिज क्या होता है, खनिज एक कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। इससे पहले ही चैप्टर में भूगोल के बताया गया है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो खनिज क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है। इसके निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं, इसके निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं। और जो मानवीय उपभोग है, जो मनुष्य इसका उपभोग करता है, कि दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। धातुओं के पुनर्चक्रण इम्पोर्टेंट है खनिज संरक्षण में। धातुओं के पुनर्चक्रण से खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि खनिजों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। तो धातुओं के पुनर्चक्रण से ही खनिज संसाधनों का को संरक्षित किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं शक्ति अथवा ऊर्जा। शक्ति अथवा ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा का वर्गीकरण, शक्ति संसाधन का वर्गीकरण। शक्ति संसाधन को दो भागों, दो स्रोतों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। पहला क्या है, परंपरागत स्रोत, और दूसरा क्या है, गैर परंपरागत स्रोत। अब देखते हैं हम परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। परंपरागत स्रोत ये वे स्रोत होते हैं जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं। परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं। और इन लेकिन परंपरागत स्रोत को दो स्रोतों में विभक्त किया गया है। पहला क्या है, ईंधन, और दूसरा है जीवाश्मी ईंधन। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत हैं। परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत हैं, ईंधन और जीवाश्मी ईंधन। अब ईंधन किसे कहते हैं, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। ईंधन का जो उपयोग है पकाने और ऊष्मा, जैसे भोजन पकाने के लिए और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन का उपयोग किया जाता है। अगला है जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन देखिए, जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं, पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष से पृथ्वी के अंदर दबे रहे थे। पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष से पृथ्वी के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए। ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यह सीमित संसाधन है। कौन, जीवाश्मी ईंधन जो है वह सीमित, यह सीमित संसाधन है तथा शीघ्र ही इसके समाप्त होने की संभावना है। तो जीवाश्मी ईंधन कैसा संसाधन है, सीमित संसाधन है तथा शीघ्र ही इसके समाप्त होने की संभावना है। एक बार फिर से हम देखते हैं खनिजों का संरक्षण। खनिज कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। इसके निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसके निर्माण और संचयन में कितने वर्ष, हजारों वर्ष लग जाते हैं। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। धातुओं के पुनर्चक्रण, खनिज संसाधन के संरक्षण के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि धातुओं के पुनर्चक्रण से खनिज संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। शक्ति अथवा ऊर्जा, अगला बिंदु हम देखते हैं शक्ति अथवा ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं,
ऊर्जा कहते हैं। शक्ति संसाधन का वर्गीकरण दो वर्गों में बांटा गया है ऊर्जा को, एक है परंपरागत ऊर्जा, दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा। अब देखते हैं कि परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं। परंपरागत ऊर्जा ये वे स्रोत होते हैं जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं, और परंपरागत ऊर्जा के मुख्यतः दो स्रोत हैं, पहला है ईंधन और दूसरा है जीवाश्म ईंधन। अब ईंधन किसे कहते हैं, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप में किया जाता है। आगे हम देखते हैं जीवाश्म ईंधन, पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों से पृथ्वी के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए, उसी को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। लेकिन जो जीवाश्म ईंधन होता है ये सीमित संसाधन है तथा शीघ्र ही इसके समाप्त होने की संभावना रहती है।